हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धारा 144 के बारे में। हम जानने वाले हैं कि धारा 144 क्यों लगाई जाती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। आज उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। धारा 144 शांति कायम करने के लिए उस स्थिति में लगाई जाती है जब किसी तरह के सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। जब भी कहीं भी दंगे की आशंका होती है तो वहाँ पर हमारी धारा 144 लगाई जाती है। दोस्तों, जिस भी एरिया में धारा 144 लगाई जाती है वहाँ पर जो DC होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन में सभी कुछ मेंशन होता है, वहाँ के सभी इंट्रैक्शंस उसमें एक्सप्लेन होते हैं। दोस्तों, वहाँ की जो पीपल्स है उसको बताया जाता है कि आपके यहाँ धारा 144 लगने वाली है, आप सतर्क हो जाइए, जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर दिए, नहीं तो आपको जेल में बंद किया जा सकता है। इस धारा के लगने के बाद इंटरनेट की सेवाएं भी आमजन से ठप कर दी जाती हैं। दोस्तों, अगर दंगा बढ़ रहा है तो इंटरनेट जो है उसको भी स्लो कर दिया जाएगा या पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, और हथियारों की पूर्ण रूप से पाबंदी रहती है। जिस भी क्षेत्र में दंगा हो जाता है, धारा 144 लगती है, वहाँ पर हथियारों का पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं ले जा सकता है। राज्य सरकार इसे इंसानी जीवन को खतरा ना टलने की स्थिति में इसकी अवधि में लगातार वृद्धि कर सकती है। दोस्तों, जहां पर भी दंगा हो जाता है, वहां पर अगर दंगा बढ़ रहा है तो पर राज्य सरकार यही प्रयास करेगी कि ये दंगा कम समय में समाप्त हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी अवधि बढ़ा देगी। ये राज्य सरकार का दायित्व होता है धारा 144 लगने पर। दोस्तों, जो धारा 144 होती है उसकी खास बातें क्या क्या होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जिस क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाती है उस इलाके में 5 या उससे अधिक आदमी एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, ये धारा 144 की खासियत होती है। शुरुआती तारीख से 6 महीने से ज़्यादा तक इसे नहीं लगाया जा सकता है, ये इसकी खास बात होती है। आइए अब हम जानने वाले हैं कि धारा 144 में सजा का प्रावधान क्या है। गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल की सजा होती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगे, और आप हमेशा हमारे साथ रहें और हमें फीडबैक दें। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप सुझाव दें, कमेंट करें कि हमें वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है, और हम आपके सुझाव के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद।